तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हमारी गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है और किचन से ही शुरू होती है लंच बनाने से अनुप के। तो देखिए आज मंगौड़ी और लौकी की सब्जी बना रही हूँ। कैसे बनाती हूँ बताइएगा, तो आपको कभी भी मैं शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। कॉलिन से साफ कर दूँ मिट्टू? कॉलिन से चमक जाएगा मिट्टू, साफ कर दूँ मिट्टू बताओ। तो हेलो फ्रेंड्स, किचन से ही मेरी गुड मॉर्निंग शुरू हो गई। तो देखिए गर्म पानी मैंने कर लिया है, गर्म पानी पीऊंगी। और मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि बच्चे भी जाते हैं इनका भी, तो सबसे पहले मैंने आज लेट नहीं आनी थी। वैसे ही मेरा रूटीन है पूरे घर में, पहले उठते ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। मेट तो 12:30-12 बजे आती है, तब तक मेरे पूरे घर में झाड़ू जरूर है। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ, फिर साफ करके बाद में लगाऊंगी। और मिट्टू कह रहे हैं क्या हुआ मिट्टू? तो अब हम थोड़ी सी ताजी हवा का मजा ले लेते हैं और पानी गर्म पी लेते हैं। पानी गर्म पीने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी मुझे पूजा की तैयारी करनी है। क्योंकि अनु पाएंगे मोदक बनाना है, तो देखते हैं आज किस चीज़ का मोदक बन पाता है। जल्दी होती है मॉर्निंग, सबसे पहले नहाने जाती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। क्योंकि अनु पहले पूजा करते हैं बाद में मैं करती हूँ, तब तक मेरी सब्जी मंगौड़ी हो रही है। हल्की गैस कर देती हूँ, आराम से पकती रहेंगी, मंगौड़ियाँ गल जाएंगी अच्छे से। और बाकी बर्तन भी लगाने को पड़ेंगे, लगाऊंगी। और जब अनूप 10 बजे ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद झाड़ू पोछा आराम से होगा, पहले मैं नहा आती हूँ। मिलते हैं आपसे बाद में फ्रेंड्स। मैं एक राय करूंगी, कभी भी मेड वगैरह जो होती है ना उनके भरोसे काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपना काम, अपना हाथ जगन्नाथ, हमेशा अपने को रूटीन में रखना चाहिए कि हम काम कर सकते हैं। मेड के भरोसे रहेंगे तो आलस ही आएगा और शरीर खराब होगा तो अलग, तो इसलिए चलते फिरते रहना चाहिए। मेरी होती है ना, मेड नहीं आती है तो परेशान हो जाती है, हाय अब काम कैसे होगा। तो उन लेडीज के लिए है कि अपना काम खुद करें, आदत में बना रहेगा आपकी। फ्रेंड्स हम लेडीज की क्या है, आधी जिंदगी से ज्यादा ही किचन में करती है, चाहे ससुराल हो, महका हो, या बुढ़ापे में बेटे का घर हो, बस किचन से शुरू होती है। और किचन पे ही मुझे लगता है आधी से ज्यादा 90% जिंदगी किचन में ही लेडीज की समाप्त हो जाती है। कितनी भी बड़ी ऑफिसर हो, लेडीज कितनी भी बड़ी कलेक्टर हो, लेकिन आंखें में उसे लगना किचन में जरूर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पतियों की तरह, जेंट्स लोगों की तरह आके कोई एक गिलास पानी पूछ ले, कोई भी हो। तो इसलिए हमारे ब्लॉग पर बने रहिएगा और आगे क्या होता है देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज बेल आइकन के साथ हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी मिले और नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं आप पूजा की तैयारी, नहाने के बाद पूजा की तैयारी करेंगे। अनूप नहा चुके हैं आज, हमसे पहले ही नहा लिए तो कोई बात नहीं, जब तक अनूप निकलते हैं हम जाते हैं नहाने, फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। नहा चुके हैं और नहाने के तुरंत बाद अनूप ठंडा पानी, सादा पानी जो भी पीते हैं, आदत है नहाने के तुरंत बाद, और उससे कहते हैं ब्लड प्रेशर डाउन होता है। नहाने के तुरंत बाद पानी पीने का बहुत फायदे होते हैं, तो ये उनका शुरू का रूटीन है। तो पानी पीते हैं लो। तो फ्रेंड्स बस अब हम नहाने जाएंगे, और नहाने से पहले मेरा क्या रूटीन है कि मैं डेली बाथरूम जरूर साफ करती हूँ। तो पहले बाथरूम साफ करूंगी, उसके बाद मैं नहाती हूँ, फिर उसके बाद अनु का लंच तैयार होगा, बाकी सब रेडी है और भोग बनाना है भी मुझे। तो मिलते हैं आपसे किचन में नहाने के बाद। नहा के निकली हूँ और देखिए हमारे यहाँ कोड़ी निकलते हैं भैया लोग। तो कोड़ी निकलते हैं, तो इस आज के दिन का यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। और फटाफट से मैंने सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा दिया है और किचन में आ गई हूँ। देखिए मैं बनाऊंगी मोदक, क्योंकि देर हो रही है मुझे, 7:30 करीब, और चाय की तैयारी है अनु की। अनु पूजा करने बैठ गए, मैंने कहा आज पहले मंदिर की पूजा कर लो, बाद में सामने मंदिर जाना जल चढ़ाना, जब तक मेरे मोदक तैयार हो जाएंगे। तो अनु पूजा करने बैठ गए और मैं बाद में करूंगी, जल की भी तैयारी कर दी है मंदिर जाने की। देखिए पैसे सतनाजा वगैरह ये सब रखती हैं, सूर्य देव को अर्घ दे चुके हैं अनूप भी और मैं भी। तो मैं बाद में पूजा करूंगी, पहले मोदक की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि डेली मैं भोग लगा रही हूँ आजकल। हाँ मिट्टू, मिट्टू बोल रहे हैं हमारे, हाँ मिट्टू इंतजार में है मिट्टू, क्योंकि मिट्टू को पापा नाश्ता करेंगे ना, तो मिट्टू को नाश्ता मिलेगा, इसलिए मिट्टू बोलना शुरू हो गए। तो पता आज मैं बना रही हूँ आटे के मोदक, फटाफट से बस 5 मिनट लगेंगे बनने में, तब तक अनु की घर वाली पूजा होगी। देखिए पूजा हम बैठ गए हैं, तो अनु का रूटीन है डेली पूजा जरूर करते हैं, और मेरे लड्डू गोपाल को भी भोग लग जाता है डेली। तो
बिसरी का भोग लगा करके जाते हैं डेली, तो मुझे चिंता नहीं रहती है कि जल्दी से भोग भी लग जाता है तो मैं बाद में ही पूजा करती हूँ उनके बाद में, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते हैं ना। हाय हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पूजा में डिस्टर्ब नहीं करें, आराम से पूजा कर लें जब तक हम मोदक की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए दो मोदक हमारे आटे के हमने अभी बहुत जल्दी है, गर्म भी थे तो बस मंदिर ले जाने के लिए दो मोदक बना दिए हैं भोग के लिए, तो प्लेट में रख देते हैं ये पूजा की। और लोग पूजा अंदर कर चुके हैं, एक घंटे की आवाज़ आ रही होगी, तो बस ये मोदक हम ये प्लेट में रख देते हैं। बहुत नाजुक होते हैं ये मोदक पता है, बहुत जल्दी टूट। तो पूजा की तैयारी हो गई, अब हम जाते हैं फटाफट से टिफिन लगाने। और मिट्टू को खाना नहीं मिलेगा, मिट्टू को खाना नहीं मिलेगा, मिट्टू बोलता नहीं है वीडियो में, मिट्टू को खाना नहीं मिलेगा, मिट्टू को खाना नहीं मिलेगा ना, मिट्टू बोलता नहीं है ना, वैसे इतना बोलता है। तो मैं अब टिफिन लगाने आ गई और सबसे पहली रोटी मैं गुड़ रख करके गाय को देती हूँ, सबसे पहली रोटी, फिर बाद में टिफिन की अनु को, क्योंकि टिफिन में रोटी ही ले जाना पसंद करते हैं पराठा नहीं। तो बस फटाफट से मैं टिफिन लगा देती हूँ और चाय मेरी बन चुकी है। और पहली रोटी गाय को जब ठंडी हो जाएगी तो अनुज जब ऑफिस के लिए निकलते हैं रास्ते में गाय मेरे पास मेरे सामने ही बहुत गाय बैठी तो अपने हाथ से ही खिलाना चाहिए गाय को पहली रोटी, तो उस पर गुड़ रख के अनु खिलाते चले जाते हैं। इस मॉर्निंग में मैं मेहुल को दे देती हूँ, मेहुल खिलाता चला जाता है जो भी जाए, लेकिन जो आटा हम लगाते हैं उसमें पहली रोटी गाय को ही निकलनी चाहिए। रोटी हमारी सब सीख चुकी हैं, बस टिफिन लगा रहे हैं, शायद मंदिर से आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, चला के सूर्य देव को प्रसाद लौटा के लाए हैं, तो हम भी थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा सा हमें भी ऐसे दे देना, फिर मेहुल खा लेगा। हम लोग प्रसाद एक लड्डू बचा कर लाते हैं, एक दे आते हैं तो बस। और फ्रेंड्स मिट्टू हमारे देखो भी खा रहे हैं, बस चाय बन चुकी है, हम उसको फटाफट से नाश्ता दे देते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं ब्लॉगिंग पे, हमारी जो भी ब्लॉगिंग करती हैं लेडीज वगैरह हम सब सिस्टर्स लोग, तो ये बताइएगा ब्लॉगिंग में क्या कोई भी मेकअप करके या हमेशा टिकटॉक करके रह सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतने काम होते हैं ना लेडीज को, तो इतने कामों के बाद ये बताइए ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि हम मेकअप करके सुबह ही कैसे बैठ सकते हैं इतना सारा। बहुत से लोग कमेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं आते हैं कि ठीक से तैयार नहीं होकर आती हैं, ऐसा है तो ये बताइए कौन सी लेडीज है जो मॉर्निंग में तैयार होकर बैठेगी और काम धाम छोड़ देगी? तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिएगा, जैसा है तैयार तो क्या है ना, जब काम होता है फुर्सत और वैसे भी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक किसी भी लेडीज को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। और ब्लॉगिंग हमारी फिर क्या, सुबह से मॉर्निंग से कोई दिखा रहा है, कोई दोपहर से दिखा रहा है, तो जैसा भी है हर तरह का शेयर करते हैं और करना भी चाहिए, किसी बारे में कमेंट्स ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम अपने ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बड़ी करने से कोई फायदा नहीं, फटाफट हम कुछ चाय और नाश्ता दे देते हैं। तो आज हमारा ब्लॉग 10 बजे तक ही समाप्त करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा, जो लोग हमारे वीडियो पे प्लीज नए हैं प्लीज 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 सपोर्ट कीजिएगा और हमारी वीडियो कल तक का वेट कीजिएगा, कल क्या कौन सी वीडियो ला पाते हैं। तो बाय बाय। तो फ्रेंड्स पता है ना जब मेड आती है ना तो इतने घरों के काम कर लेती है लेकिन उसके बाद कपड़े गंदे नहीं होते, लेकिन हम थोड़े एक दिन काम कर ले और थोड़े से बर्तन भी धो ले ना तो मेरी ये सब पोर्शन भीग जाता है, गंदा हो जाता है। और लेकिन मेरे इतने घरों में झाड़ू पोछा करने के बाद भी उनके कपड़े हैं ना गंदे नहीं होते, बिल्कुल भी भीगते नहीं। हमारे तो पूरे एक काम करने में ही आफत आ गई, अपनी मेड हमारी आज गायब हो गई है। तो बताइएगा ये किस किस के साथ होता है बर्तन धोते पे? भाई मेरे साथ तो बहुत होता है, मुझे बर्तन धो लिया सारा, देखिएगा मेरे बर्तन थोड़े से ही धुल पाए हैं, सारे पड़े हुए हैं, अभी देखिए देख भीग गई है, सारी भीग गई है। तो आज मेरी मेड नहीं आएगी तो थोड़े बर्तन धोकर के रखने हैं। तो मैं मिक्सी का जार तो वैसे ही प्याज पीसा या कुछ पीसा साबुन से धो करके रख देती हूँ तुरंत, तो बस ये काम। और अब मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स इसकी शॉर्टकट में चलिए रेसिपी आपको दिखा देते हैं। देखिए मंगौड़ी हमने भून करके डाल दी है, बाकी जो सेम मसाले जाते हैं वही जाएंगे और लौकी डाल दी है, बहुत टेस्टी बनती है लौकी और मंगौड़ी की सब्जी।